क्या चल रहा है और किस तरीके से करना है, तो इसलिए बताना पड़ेगा आप लोगों को। और ये आप लोगों का हक भी है कि आप लोग मुझे बोल सकते हो कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना, इसके ऊपर वीडियो बना। तो आप लोग जिस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो मतलब कमेंट करोगे उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल है इसलिए मेरा मर्जी से वीडियो अपलोड करूंगा, ऐसा कुछ बात नहीं है गाइज यार। तो गाइज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो कर देना एक लाइक, और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो और हाँ गाइज इंस्टा पर फॉलो भी कर लेना है, इंस्टाग्राम का रीडिंग है ना, तो इस बात पे तो एक फॉलो बनता है यार, तो फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाओ जाके आप भी फॉलो कर लो। तो चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज ये रहा फोटो, और मैं इस फोटो को लाइटरूम के अंदर ओपन कर लिया हूँ, तो आप लोग भी लाइटरूम के अंदर ओपन कर लेना। तो लाइटरूम के अंदर ओपन करने के बाद सिंपली मैं पहले लाइट फिक्स कर लूंगा पिक्चर का। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा यहाँ पर कम करूंगा, और हाईलाइट पूरा फुल डिक्रीज कर दूंगा, शेडो थोड़ा सा इंक्रीज, और व्हाइट कम थोड़ा सा, और ब्लैक भी कम, ठीक है। देख लो क्या क्या किया हूँ। सेटिंग यहाँ पर मैं, तो आप लोगों का पिक्चर अलग हो सकता है, बैकग्राउंड भी अलग हो सकता है, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लेना आप लोगों को जो भी मतलब अच्छा लगे वो, ठीक है। और आ जाऊंगा सिंपली कलर टूल पर, और कलर टूल पर आने के बाद यहाँ पर वाइब्रेशन इंक्रीज, और सैचुरेशन यहाँ पर मैं डिक्रीज कर देता हूँ इतना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कर दिया हूँ, और करने के बाद सिंपली जाऊंगा मिक्स टूल के अंदर। मिक्स टूल में आने के बाद सिंपली यहाँ पर जो ह्यू है, पहले ह्यू का थोड़ा सा कम, सैचुरेशन थोड़ा सा ज्यादा डालूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा ज्यादा मतलब थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाऊंगा यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर में और सैचुरेशन थोड़ा सा कम करूंगा, ठीक है। जो फेस का ऑरेंज टाइप का यहाँ पर कलर था फेस के ऊपर वो चला गया है, और फेस को व्हाइट करने के लिए लुमिनस को यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगा, जितना व्हाइट चाहिए आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो गया है। अब योलो में आऊंगा, योलो का सेचुरेशन यहाँ पर मैं फुल डिक्रीज, ठीक है। और यहाँ पर ह्यू को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आ जाऊंगा यहाँ पर ग्रीन कलर में, यहाँ पर सेचुरेशन जो है फुल डिक्रीज, और ह्यू को थोड़ा सा कम हो गया है, और लुमिनस को थोड़ा सा कम ही कर देता हूँ इसका, ठीक है, कुछ इतना कम कर देता हूँ। और जो योलो है, योलो का भी लुमिनस कम कर देता हूँ कुछ इतना, ठीक है। और आ जाऊंगा सियन कलर में, सियन कलर का फुल इंक्रीज, और ब्लू कलर का भी डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो अब आ जाऊंगा, आप लोग ब्लू कलर का डिक्रीज जो सेचुरेशन है वो डिक्रीज नहीं भी कर सकते हैं, तो सिंपल भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो फोन का कलर है मेरा वो ब्लू था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक फोन अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेचुरेशन डिक्रीज कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया है, और यहाँ पर मैं लास्ट जो कलर है यहाँ पर पिंक कलर यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर ह्यू को मैं देख लूंगा कौन सा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज करने से अच्छा लग रहा है तो डिक्रीज कर देता हूँ, सेचुरेशन यहाँ पर मैं फुल इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया है, बहुत बढ़िया, ऊपर से मैं डन कर देता हूँ। अब जो जो करना होता है यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मेरे रोज वीडियो देखते हो, तो यहाँ पर टेक्सचर यहाँ पर थोड़ा सा कम मतलब डिक्रीज करूंगा पिक्चर के अंदर स्मूथनेस डालने के लिए, 25 या 30 डाल सकते हो, तो मैं 30 डाल देता हूँ यहाँ पर मतलब डिक्रीज कर देता हूँ, और क्लियरिटी थोड़ा पर यहाँ पर डालूंगा थोड़ा एकदम 6, ठीक है। और बिगिनर ऑप्शन तो यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो पिक्चर के अंदर फीलिंग्स नहीं आएगा भाई। तो यहाँ पर मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 40 डिक्रीज कर देता हूँ, और आ जाता हूँ इस ऑप्शन पर, शार्पनिंग डालूंगा सेम, ठीक है, जो भी हर पिक्चर में करता हूँ सेम कलर, नॉइज रिडक्शन और नॉइज रिडक्शन, ठीक है, हो गया है, कर देता हूँ। और आ जाता हूँ इस ऑप्शन पर, शार्पनिंग डालूंगा सेम, ठीक है, जो भी हर पिक्चर में करता हूँ सेम कलर, नॉइज रिडक्शन और नॉइज रिडक्शन, ठीक है, हो गया है। और यहाँ पर मैं इस पर थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस, और यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी अवेलेबल पिक्चर को सेव कर लेना है, ओके। सो गाइज लाइट रूम में रिटचिंग करने के बाद सिंपली आप लोगों को आ जाना है पिक्सट के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं पिक्सट के अंदर फोटो को ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, सिंपली दो चीज़ करना है, दो चीज़ नहीं, एक ही चीज़ में मतलब एक ही बारी में हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर
ऐड फोटो का ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पर ऐड फोटो से दो PNG ऐड करना है। दो PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ, आप लोग वीडियो देखने के बाद वो जो PNG है आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड फोटो से कर लेता हूँ ऐड। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं ऐड कर लिया हूँ। तो आप लोगों का सिंपल क्या करना है दिखा देता हूँ। ये जो PNG है और इसको साइड पर रखो थोड़ी देर के लिए, और ये जो PNG है इसका जो ब्लेंड मोड है आप लोगों को नीचे आना है, ब्लेंड मोड पर आना है, ये देख सकते हो ये वाला ऑप्शन, इसको स्क्रीन कर देना है और कुछ इस तरीके से जूम करूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जूम करने के बाद एकदम कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा देना है, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करता हूँ तो कुछ इस तरीके से लगा दिया हूँ। और ये जो PNG है, कलर PNG, इसको क्या करना है, इसका भी जो ब्लेंड मोड है इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है, इसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है, ठीक है। और इसका अमाउंट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसका जो ओपासिटी है ओपासिटी में आऊँगा और ओपासिटी यहाँ पर 50 करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ ओपासिटी, ओपासिटी 50 कर दिया हूँ और कुछ इस तरीके से मैं जूम करके लगा दूँगा। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो फोटो अब कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाया था बिफोर वाला, मतलब ये तो PNG लगाने से, मतलब जो लाइटरूम से रिचेंज करने के बाद जो यहाँ पर PNG लगाए हैं उसके बाद दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो फोटो जो ये वाला फोटो बहुत ही सिंपल है करना, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कितना सिंपल है। तो गाइस वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल